आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के इतिहास को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा किस तरह से कांगड़ा, बिलासपुर और चंबा के राजाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के इतिहास में देखने को मिलता है। आज का हमारा वीडियो है शिमला डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो शिमला के इतिहास को दो अलग अलग हिस्सों में समझा जा सकता है। एक शिमला का इतिहास वो है जब अंग्रेज यहाँ पे आए और उन्होंने अलग अलग तरह के जो रिफॉर्म्स, अलग अलग तरह के जो सिस्टम्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस करने शुरू किए, तो उसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। शिमला का दूसरा हिस्सा है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद प्राचीन काल में अलग अलग छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स। अगर हम लोग प्रिंसली स्टेट्स की बात करें जो हमें शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती थी, तो उनमें सबसे मुख्य थी बुशहर रियासत। बुशहर के अलावा हम लोगों को बलसन, भज्जी, कोटी, क्योंथड़, जुब्बल, धरौच, धामी, थरौच, कुमारसे, कारंगला, दैल्थ, खनेती, कोटखाई, मधाण, थ्योग, घुंड, रातेश, रवाएं, दरकोटी और धाडी रियासतें देखने को मिलती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वहाँ पे हम लोग इन्हीं रियासतों में से कुछ रियासतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की सबसे प्राचीनतम रियासत जिसका नाम है बुशहर रियासत। अगर मैं ऐसा कहूँ कि बुशहर रियासत जो है वो वेस्टर्न हिमालयाज की कश्मीर के बाद दूसरी सबसे प्राचीनतम रियासत है तो ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं होगी। यही कारण है बुशहर हम सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो बुशहर रियासत है इसके संस्थापक कौन है। बुशहर रियासत के संस्थापक के रूप में प्रद्युमन जी को माना जाता है। प्रद्युमन से रिलेटेड अलग अलग कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। कई जगहों पे ये कहा गया कि जो प्रद्युमन है ये लॉर्ड कृष्णा के वंशज थे और यहाँ पे मौजूद एक राजा हुआ करते थे असराहन, जिसका पुराना नाम शांतिपुर हुआ करता था, जिनका नाम था बनासुर। ये उनकी बेटी से शादी करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे पहले बनासुर को मारते हैं, उसके बाद उनकी बेटी से शादी करवाते हैं और उसके बाद इनके द्वारा बुशहर रियासत की स्थापना की जाती है। कई जगहों पे यह भी मेंशन किया गया है कि जो प्रद्युमन है ये अयोध्या से आए थे और ये लॉर्ड रामा के वंशज थे। कई जगहों पे यह भी कहा गया कि जो प्रद्युमन है ये साउथ इंडिया से आए और यहाँ पे मौजूद भीमकाली टेंपल पे विजिट करने आए थे। जैसे ही ये इस एरिया में, इस क्षेत्र में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो राजा की गद्दी है वो खाली है, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं यहीं पर ही रह के अपनी नई रियासत बनाऊँगा, और इस तरह से जो है वो बुशहर रियासत की स्थापना होती है। तो हम लोगों को अलग अलग कहानियां जो हैं वो बुशहर रियासत से रिलेटेड देखने को मिलती हैं, लेकिन इनमें जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो यही है कि जो बुशहर रियासत है इसके संस्थापक का नाम था प्रद्युमन सिंह। इसके साथ साथ अगर हम लोग सी एफ कैनेडी की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे दानवर सिंह का जिक्र किया गया कि दानवर सिंह के द्वारा जो है वो बुशहर रियासत की स्थापना की गई। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी पेचीदा है, अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग रेफरेंसेज हम लोगों को देखने को मिलती हैं, और इसी तरह के रेफरेंस जो हम लोग बुशहर रियासत से रिलेटेड भी देखते हैं। प्रद्युमन सिंह के बाद अगले राजा जिनका जिक्र हम लोगों को हमारे इतिहास के अंदर देखने को मिलता है वो प्रद्युमन सिंह के बाद 110वें नंबर के राजा थे। उनका नाम था राजा छत्र सिंह। राजा छत्र सिंह की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा जो बुशहर की ओरिजिनल राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था कमरू, उस राजधानी को शिफ्ट किया गया सराहन नामक जगह के ऊपर। सराहन, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया, जिसका पुराना नाम हुआ करता था शांतिपुर। अब हम लोग बात करते हैं छत्र सिंह के बेटे जिनका नाम था केहरी सिंह। केहरी सिंह को महानतम राजाओं में से एक कंसीडर किया जाता है। ये औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। औरंगजेब के द्वारा इनको अजान बाहू का टाइटल दिया गया था। अजान बाहू नॉर्मली उसको कहा जाता है जिसकी बाहों में बहुत ज़्यादा ताकत है, और उसके साथ साथ जैसे ही वो सीधा खड़ा रहता है तो उसके जो हाथ हैं वो उसके घुटनों से नीचे जाते हैं। तो केहरी सिंह को इस तरह का टाइटल इसलिए भी दिया गया था क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया गया, और जो आसपास के राजा थे वो हम लोगों को बुशहर रियासत के नियंत्रण में आते हुए देखने को मिले। अगर हम लोग बुशहर रियासत को थोड़ा सा समझें तो आप लोग ऐसा मानिए कि आज का जो हमारा रामपुर, बुशहर और किन्नौर वाला एरिया है ये बुशहर रियासत के नियंत्रण में हुआ करता था। और अगर आप लोग किन्नौर के साथ ही बॉर्डर देखेंगे तो वहाँ पे हमें आजकल तिब्बत की बॉर्डर देखने को मिलती है। तो उस समय उसी स्पेसिफिक एरिया और किन्नौर का जो कुछ एरिया था वो तिब्बत एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था। साथ में एक ऊपर लगता हुआ एक पहाड़ी किंगडम था जिसका नाम था लद्दाख। लद्दाख और उसके साथ साथ जो तिब्बत है उनके बीच के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, और उस समय
जब केहरी सिंह बुशर के राजा थे तो उस समय तिब्बत के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था ग्रजय कोड़े। क्लियर। तो शुरुआत में तो हम लोग देखते हैं कि जो केहरी सिंह और साथ में तिब्बत रियासत है उसके बीच के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे ऐसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बीच के जो रिलेशन है वो अच्छे होंगे। एक ऐसा समय आया जब लद्दाख के द्वारा जो तिब्बत है उसके ऊपर आक्रमण किया गया, अटैक किया गया। उस अटैक में जो केहरी सिंह है वो डिसाइड करता है कि जो तिब्बतियन आर्मी है ये उसको समर्थन करेगा और केहरी सिंह के द्वारा उस आर्मी को समर्थन किया जाता है जिससे जो लद्दाख की सेना है उसकी हार होती है। जब लद्दाख की सेना की हार होती है उसके बाद तिब्बत और उसके साथ साथ जो बुशर रियासत है वो दोनों एक दूसरे के साथ एक संधि, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। और उस एग्रीमेंट की कुछ लाइनें क्या थी, उस एग्रीमेंट की कुछ लाइनें ऐसी थी कि जब तक जो काला कौआ है उसका कलर सफेद नहीं हो जाता है, जब तक मानसरोवर झील का पानी खत्म नहीं हो जाता है, जब तक कैलाश पर्वत के ऊपर पड़ी हुई पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती है, तब तक जो कैलाश पर्वत है वो बुशर और उसके साथ साथ जो तिब्बत रियासत है उसके बीच की बाउंड्री रहेगी। तो इस तरह से जो कैलाश पर्वत है वो इस स्पेसिफिक जब हेल्प की गई केहरी सिंह के द्वारा उसके बाद कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत और बुशर की सीमा बनी। और इसके साथ साथ जो तिब्बत रियासत थी उसने जो हांगरंग वैली है जो पहले तिब्बत के नियंत्रण में हुआ करती थी वो वैली जो है वो किसको गिफ्ट कर दी, वो कर दी केहरी सिंह को गिफ्ट। इसके साथ साथ इस मित्रता के लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया जिस फेस्टिवल को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। 1985 में उसको इंटरनेशनल फेयर का दर्जा दिया गया और उस फेस्टिवल का नाम है लवी का मेला। होपफुली आप सब लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो लवी का मेला जो ऑर्गेनाइज किया गया वो बेसिकली जो तिब्बत और उसके साथ साथ जो बुशर रियासत की मित्रता है ये उसकी सेलिब्रेशन थी। और ये बेसिकली एक ट्रेड फेयर हुआ करता था जहाँ पर फ्री ट्रेड जो है वो हम लोगों को तिब्बत और बुशर के बीच में देखने को मिलता था। और यही फ्री ट्रेड जो है वो 1962 तक कंटिन्यू रहा जब तक चाइना ने जो है वो तिब्बत के ऊपर नियंत्रण नहीं कर लिया और हिंदुस्तान के साथ जो वो चाइना की बैटल नहीं हुई। क्लियर। तो ये कुछ कहानियां जो है वो हम लोगों को केहरी सिंह से रिलेटेड देखने को मिलती है। और केहरी सिंह बुशर रियासत के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक कंसीडर किए जाते हैं। केहरी सिंह के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम है राजा राम सिंह, राजा राम सिंह वो हैं जिनके द्वारा रामपुर की स्थापना की गई। और जो राजधानी जो राम सिंह से पहले हम लोगों को सराहन या शांतिपुर में देखने को मिलती थी वो राजधानी शिफ्ट कर दी गई रामपुर। और आज जब आप लोग रामपुर बुशर के नाम से इस एरिया को जानते हैं तो उसके लिए जो राम सिंह है उनको क्रेडिट देना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ राम सिंह की कहानी में एक और राजा के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। और ये राजा थे कुल्लू के राजा जिनका नाम था विधि सिंह। जब राम सिंह राजा बने तो उस समय जो विधि सिंह जो कुल्लू के राजा थे उसने बहुत सारी जो टेरिटरीज थी बुशर रियासत की उनको अपने नियंत्रण में ले लिया था। अगले राजा का नाम है राजा महेंद्र सिंह। जब राजा महेंद्र सिंह राजा बने तो उस समय जो गोरखास थे उनको अंग्रेज़ों के द्वारा हरा दिया गया। जब अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को हराया तो उसके बाद ये जो पहाड़ी राजा थे इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए सनद साइन करनी शुरू कर दी। सनद का सीधा सीधा मतलब क्या था कि इनडायरेक्टली जो हमारे राजा हैं वो ब्रिटिश की सॉवरेनिटी को, ब्रिटिश के रूल को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 1815 में राजा महेंद्र सिंह के द्वारा सनद के ऊपर साइन किया गया। अब हम लोग बात करते हैं बुशर के अगले राजा जिनका नाम है राजा शमशेर सिंह। 1850 ईस्वी में शमशेर सिंह जो हैं वो बुशर के अगले राजा बने। लेकिन जैसे ही शमशेर सिंह राजा बने उस समय अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे जो राजाओं की पावर थी उसको कम करना शुरू कर दिया था और जो राजाओं के कोर्ट में वजीर या बाकी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके पास पावर ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी थी, जिससे शमशेर सिंह बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब बात करते हैं 1857 रिवोल्ट की। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स, अलग अलग जो राजा थे उनसे मदद मांगी गई। हिमाचल प्रदेश के अंदर मैक्सिमम राजाओं के द्वारा अंग्रेज़ों का समर्थन किया गया, अंग्रेज़ों की सपोर्ट की गई। लेकिन शमशेर सिंह जो अंग्रेज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं था उसने अंग्रेज़ों को किसी भी तरह का जो समर्थन है वो करने से मना कर दिया, जिससे अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। और उस समय जो शिमला वाला एरिया हुआ करता था वहाँ पे विलियम हे नाम के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने प्लान किया कि वो बुशर के राजा को पनिश करेंगे। लेकिन उस समय जो जॉन लॉरेंस थे उन्होंने विलियम हे को ये करने से मना कर दिया। तो इस तरह से जो शमशेर सिंह है उसके ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों को इवन उसने 1857 रिवोल्ट में ब्रिटिश को सपोर्ट करने से मना कर दिया देखने को नहीं मिलता है।
शमशेर सिंह से रिलेटेड एक और कहानी हमें देखने को मिलती है। ये कहानी है दुहम या दुजम मूवमेंट, जो हमें 1859 में देखने को मिली। अब अगर हम लोग दुहम या दुजम मूवमेंट को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को मुंशी रामलाल के द्वारा शुरू की हुई एक रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में पता होना चाहिए। 1854 में यानी कि 1854 में मुंशी रामलाल के द्वारा एक रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे वो लोग जो खेती किया करते थे यानी कि किसानी किया करते थे, उनसे पहले जो टैक्स लिया जाता था, पहले जो कर वसूल किया जाता था, वो काइंड में वसूल किया जाता था। यानी कि वो राजा के घर में काम कर देते थे, क्लियर, या अपनी जो कुछ फसल का थोड़ा हिस्सा जो है वो राजा को दे देते थे। लेकिन मुंशी रामलाल ने एक प्रथा शुरू की जहां पे उसने कहा कि कुछ टैक्स या कुछ कर जो है वो कैश की फॉर्म में देना पड़ेगा, जिससे वहां के जो लोग, वहां के जो किसान थे, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। धीरे धीरे किसानों के अंदर जो डिसकॉन्टेंट है वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया और 1859 में एक मूवमेंट शुरू हुई जिसको हम लोग दुहम या दुजम मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जहां पे जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके घरों को लोगों के द्वारा जला दिया गया। काफी वायलेंट मूवमेंट हुई और इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए शिमला से हम लोगों को जो बांस हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल बांस हैं, वो आते हुए देखने को मिले, जिन्होंने यहाँ पे जो दुजम मूवमेंट है उसको सप्रेस करने में मदद की, लोगों को समझाया और बाद में ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो रामलाल जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। यहाँ पे इस मूवमेंट को लीड किया फतेह सिंह के द्वारा। फतेह सिंह जो हैं वो शमशेर सिंह के ब्रदर थे। तो ये थी बुशहर रियासत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में जानकारी। जब हम लोग शमशेर सिंह की बात करते हैं तो उसके बाद टिक्का रघुनाथ सिंह और जो पदम सिंह हैं, वो भी महत्वपूर्ण राजाओं के रूप में हम लोगों को बुशहर रियासत के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं। पदम सिंह जब राजा थे उस समय हम लोगों को आज़ादी मिली और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो राजशाही सिस्टम है इसको हमारे देश के अंदर ख़त्म कर दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की दूसरी महत्वपूर्ण रियासत जिसका नाम है बलसन। बलसन की स्थापना राजा अलक सिंह के द्वारा की गई 12th century में। बलसन रियासत अपना ओरिजिन ट्रेस करती है सिरमौर रियासत से, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि किसी समय पे जो सिरमौर वाला एरिया है वहाँ पे राठौर फैमिली का रूल हुआ करता था और उसी राठौर फैमिली के वंशजों के द्वारा जो है वो बलसन रियासत की स्थापना की गई। बलसन रियासत की राजधानी है वो हुआ करती थी गोधना। गोधना हम लोगों को गिरी नदी के लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है। अगर हम लोग बलसन की बात करें तो बलसन का ज़्यादातर जिक्र किया गया जब गोरखाओं की अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई और उसके बाद जब गोरखाओं की सिखों के साथ बैटल हुई, वहाँ पे भी बलसन का जिक्र होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, जब गोरखाओं ने पहाड़ी राजाओं के ऊपर अटैक किया तो उस समय बलसन वाला जो एरिया है वो कुमार से रियासत के अधीन हुआ करता था। तो कुमार से, क्योंकि उसके ऊपर भी गोरखाओं ने अटैक किया और उसको अपने नियंत्रण में लिया, तो यही कारण था जो बलसन रियासत थी ये रियासत भी हम लोगों को गोरखाओं के नियंत्रण में आती हुई देखने को मिलेगी। जिस समय गोरखाओं ने अटैक किया था बलसन के ऊपर, उस समय बलसन के राजा का नाम था जोगराज। और जब अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच की बैटल होगी तो उस समय जो जोगराज है वो अंग्रेज़ों की मदद करेगा और जब फाइनली अंग्रेज़ों के द्वारा गोरखाओं को हरा दिया जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जोगराज है उसको वापस जो आपके बलसन रियासत है उसकी गद्दी अंग्रेज़ों के द्वारा दे दी जाएगी। जब हम लोग बलसन रियासत की बात करेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी ठकुराई का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ठकुराई यानी कि एक छोटी सी रियासत का नाम था बदौली। जिस समय गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, उस समय ये जो बदौली वाला एरिया है ये कुमार से रियासत के अधीन हुआ करता था। बदौली एरिया के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी प्रचलित है जहाँ पे ये कहा जाता है कि बदौली के ऊपर कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत आक्रामक, बहुत उग्र हुआ करते थे और इस एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना किसी भी रियासत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। तो यही कारण है पहले जो ये एरिया है ये आप लोगों को कुमार से रियासत के अधीन देखने को मिलेगा, उसके बाद जब अंग्रेज़ इस एरिया को जीतेंगे तो ये अंग्रेज़ों के अधीन जाएगा, बाद में अंग्रेज़ चाहेंगे कि कैसे इस एरिया को किसी और राजा को दे दिया जाए, तो जो नालागढ़ का राजा उस समय हुआ करता था जिनका नाम राजा रामशरण था उसको इस एरिया को दिया जाएगा, लेकिन रामशरण भी इस एरिया को अपने अधीन रखने से मना कर देगा। यही कारण है फाइनली अंग्रेज़ इस एरिया को बलसन रियासत को सौंपेंगे और बलसन रियासत जो है वो उसके एवज में 8,500 रुपया यानी कि 8,500 रुपीज़ जो है वो अंग्रेज़ों को देंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो बदौली वाला एरिया है ये बलसन रियासत के अधीन रहेगा। बलसन के एक राजा हैं जिनका नाम है राजा या राणा बहादुर सिंह, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट और इस किताब से हम लोगों को बलसन रियासत के बारे में काफ़ी जानकारी देखने को मिलती है। फाइनली
15 अप्रैल 1948 को जब प्रिंसली स्टेट्स हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज हुई, तो उसी समय जो बलसन रियासत है ये भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनी। और अगर हम लोग बलसन रियासत को आज देखना चाहते हैं तो इस समय आप सब लोगों को पता है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील है जिसका नाम है ठियोग। तो जो बलसन रियासत का एरिया है ये ठियोग तहसील के अंदर हम लोगों को स्पेसिफिक टाइम पर आता हुआ देखने को मिलता है। बलसन रियासत के बाद अब हम लोग बात करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट की दो महत्वपूर्ण रियासतों के बारे में। इन दोनों के बारे में एक साथ इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि दोनों रियासतों की जो स्थापना है वो दो सगे भाइयों के द्वारा की गई। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राजा चेरू, जिन्होंने अपना नाम बाद में उदयपाल कर लिया, और दूसरे राजा चांदपाल। अगर हम लोग राजा चंदपाल और चेरू की बात करें तो ये अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं कुटलहर रियासत से। कुटलहर रियासत अगर आज के टाइम पे देखी जाए तो आप लोगों को ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है, और पुराने समय पे हम लोग इसको जो कांगड़ा हिली एरियाज़ की अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी उसका हिस्सा माना करते थे। तो कुटलहर के 24वें राजा का नाम था जसपाल। जसपाल के 4 बेटे थे जिनमें पहले बेटे का नाम था चेरू, जिसने अपना नाम बाद में उदयपाल रख लिया। ये जो चेरू हैं ये वो हैं जो भज्जी रियासत की स्थापना करेंगे। दूसरे बेटे का नाम था चांदपाल। चंदपाल या चांदपाल के द्वारा जो है वो कोट्टी रियासत की स्थापना की गई। इसके अलावा जो इनके दो बेटे थे जिनमें से एक का नाम था शोगू और दूसरे का नाम था भोकू। अगर हम लोग शगु की बात करें तो आज उनको फगु देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ साथ जो भोगू थे यानी कि जो चौथे बेटे थे जसपाल के, उनके द्वारा एक फग्याना नामक गांव की स्थापना की गई। तो इस तरह से जो चारों बेटे थे जसपाल के उनका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं शिमला रियासत या शिमला डिस्ट्रिक्ट की एक महत्वपूर्ण रियासत जिसका नाम है भज्जी, जिसकी स्थापना उदयपाल या राजा चेरू के द्वारा की गई। तो भज्जी रियासत की जो ओरिजिनल राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था मूल भज्जी। बाद में भज्जी रियासत के एक राजा रहे जिनका नाम था सोहनपाल। सोहनपाल के द्वारा एक गांव एक जगह की स्थापना की गई जिसका नाम था सुन्नी, और सोहनपाल ने मूल भज्जी से अपनी जो राजधानी है उसको शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भज्जी रियासत है वो हम लोगों को उसकी राजधानी देखने को मिलती है सुन्नी। उसके बाद 1803 से लेकर 1815 ईस्वी के बीच में ये जो भज्जी वाला एरिया है ये गोरखाओं के नियंत्रण में रहा। गोरखा जब कंट्रोल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी शिमला हिली स्टेट्स थी मैक्सिमम हिली स्टेट्स जब हम लोगों को गोरखाओं के नियंत्रण में ही देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि 1815 तक जो भज्जी रियासत है जो बहुत बड़ी रियासत नहीं हुआ करती थी ये रियासत भी गोरखाओं के नियंत्रण में थी। जब 1815 में गोरखाओं की हार होगी तो उस समय ये जो भज्जी रियासत है ये वापस उनके जो राजा हैं उनको दे दी जाएगी। और उस समय भज्जी के राजा का नाम था राणा रुद्रपाल। उसके बाद भज्जी के बारे में बहुत सारी कहानियां जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन फाइनली 1948 में जब शिमला हिली स्टेट्स हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज होंगी तो उस समय उनमें से एक रियासत का नाम था भज्जी। और इस तरह से अगर आज हम लोग भज्जी रियासत को देखना चाहते हैं तो हम लोगों को ये प्रेजेंटली जो सुन्नी जगह है जो हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है वहाँ पर हम लोग ये उसके आसपास का जो एरिया है उसको हम लोग पुरानी भज्जी रियासत से रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोट्टी रियासत की। कोट्टी की जो ओरिजिनल राजधानी हुआ करती थी उसका नाम कोट्टी ही हुआ करता था। बाद में राजा ताराचंद के द्वारा जो कोट्टी है वहाँ से राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया क्यार कोट्टी। ये कोटी अगर हम आज के समय में इसको थोड़ा समझना चाहते हैं तो स्पेसिफिक टाइम पे जो कसुमटी तहसील है वहाँ पे हम लोगों को जो कोटी रियासत है उसका एरिया देखने को मिलता है। जब राणा रघुवीर चंद जो है वो कोटी के राजा हुआ करते थे तो उसी समय जब ये शिमला वाटर स्कीम डेवलप की गई तो उसके लिए अपना एरिया जो है वो रघुवीर चंद के द्वारा अंग्रेज़ों को दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम लोग कोट्टी रियासत की बात करेंगे तो जब 1857 रिवोल्ट हुआ 1857 का तो उस समय जो कोट्टी के राजा थे उनके द्वारा अंग्रेजों को समर्थन दिया गया, और उस समय कोट्टी के राजा का नाम था हरिचंद। तो ये थी शिमला डिस्ट्रिक्ट की कुछ महत्वपूर्ण रियासतें। जो बाकी बची हुई रियासतें हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बची हुई रियासतें जिनका जिक्र मेरे द्वारा इस वीडियो की शुरुआत में किया गया था उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा हम लोगों को शिमला डिस्ट्रिक्ट के इतिहास में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।